हेलो फ्रेंड, देखिए बहुत ऐसे लोग हैं कि यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यूट्यूब चैनल में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है ताकि उनका वीडियो चले। और यही लोग गलती कर बैठते हैं कि उनका चैनल, उनका वीडियो नहीं चल पाता है तो उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटा वॉच टाइम कभी कंप्लीट नहीं होता है और लास्ट में वो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर YouTube पर वीडियो बना रहे हैं तो, कि YouTube के कौन कौन ऐसे सेटिंग हैं कि जो कि आपको करनी पड़ती है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपके वीडियो को चलाने के लिए कौन कौन ऐसे सेटिंग करनी पड़ती है जो आपको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आएँ तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर देखिए हम चैनल मोनेटाइज भी करते हैं, यहाँ पर YouTube से कमाने का तरीका लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम चल के दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे चल कर दिखाते हैं कि किस तरह आपको YouTube चैनल की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम मोबाइल ले रहे हैं ये सब सेटिंग करनी पड़ेगी तब जाकर आपके वीडियो कहीं चलेंगे। अगर सेटिंग नहीं कीजिएगा तो वीडियो आपके कि चाहे जितना भी टाइटल लगा लीजिए या फिर जितना अच्छा कंटेंट बना लीजिए आपका वीडियो नहीं चलेगा। सबसे पहले आपके यूट्यूब की सेटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वीडियो को, आपके चैनल को किस तरह सेटिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। अब चलिए हम आपको पहले हम यूट्यूब पे ले चलते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नर में जाना है और चैनल, अब आपके चैनल वाला लोगो जो दिख रहा है फोटो, उस पर क्लिक कर देना है और फिर योर चैनल पर चले जाना है। योर चैनल पर जाने के बाद देखिए ये जो YouTube मोनेटाइज ऑन लिख रहा है इसको यहाँ पर ये सब कहीं सेटिंग किया गया है। ये सब लगाने के बाद YouTube को समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं। ये सब आप अपने चैनल पर नहीं लगाइएगा तो YouTube आपके वीडियो कहीं नहीं भेजेगा, जहाँ पर वीडियो अपलोड कीजिएगा वहीं पर रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो पेंसिल वाले आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके पहले आपको लोगो लगाना पड़ेगा, अपने चैनल का लोगो लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैमरा वाला ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से आप हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम सोर्स फ्रॉम यूट्यूब फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर फ़ोटो लगाना चाहते हैं, जो भी हम टाइटल लिख कर लगाना चाहते हैं यहाँ पर हम लगा सकते हैं। हम कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते, जैसे कंप्लीट हम लगा दिए। यहाँ पर हम सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये आपका यूट्यूब लोगो आपके चैनल पर लग गया, सिर्फ हम सेव कर देंगे तो ये लोगो जाकर वहाँ पर लग जाएगा, लेकिन हम सेव नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। और आपको अपने फ़ोटो लगाना है तो देखिए फिर दूसरे वाले कैमरा पर आइएगा, यहाँ पर फिर गैलरी वाले ऑप्शन में आपको कहीं फ़ोटो रखे हुए हैं तो यहाँ से आप फिर यहाँ से देख करके आप जिस तरह का फ़ोटो चाहते हैं उस तरह का लगा सकते हैं। देखिए हम चाहे जो भी चाहें हम यहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर जूम करके आप पहले से भी लगा सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर सेव प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये जाकर सेव हो जाएगा। हम इसको सेव नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर कैमरा पर ऑप्शन भी दिया है, यहाँ कैमरा पर भी क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पता चल गया होगा। अब जो मेन सेटिंग है वो आपको करना पड़ेगा। लोगो लगा दिए, आप अपने चैनल पर फोटो भी लगा दिए और देखिए यहाँ पर अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम नाम लिखे हुए हैं अरशद म्यूजिक क्रिएटर, सिर्फ हम सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा।
और यहाँ पर हैंडल, हैंडल खुद ब खुद यहाँ पर जो दिख रहा है, हैंडल खुद ब खुद यहाँ पर आपके लग जाएंगे। सिर्फ सेव कर देंगे वो लग जाएंगे, सिर्फ हम सेव कर देंगे वो तो खुद ब खुद लग जाएंगे, खुद ब खुद लग जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर चैनल URL, तो ये भी आपके चैनल पर खुद ब खुद लग जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको लिखना पड़ता है, जैसे देखिए हम यहाँ पर पहले से लिख कर रखे हुए हैं, सिर्फ हम सेव कर देंगे तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ हम सेव कर देंगे यहाँ पर तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन हम इसको सेव नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम इसको सेटिंग किए हुए हैं इसलिए सेव नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम ये सब सारे सब कुछ यहाँ पर चैनल आपका चैनल पर फोटो लोगो सब लगा लिए हैं, डिस्क्रिप्शन भी लगा लिए हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, YouTube की जो मेन सेटिंग होती है वो आपको लगानी है, YouTube की जो मेन सेटिंग है वो आपको लगानी ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे आप लगा सकते हैं। पहले आपको आ जाना है क्रोम में, अपने क्रोम में आ जाना है, क्रोम में आ जाइएगा और यहाँ पर YouTube.com लिखिएगा। तो मान लीजिए हमारे यहाँ से पहले दिख रहा, तो हम इस पर YouTube पर क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है, देखिए ये जो कोने में फ़ोटो आपके चैनल का फ़ोटो जो लगाए हैं यहाँ पर दिखेगा, कोना में अपने चैनल पर फ़ोटो लगाए हैं वो यहाँ पर दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं योर चैनल, योर चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सब सेटिंग आपको करनी ज़रूरी है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। ये सब आपके वीडियो चलाने का सब सेटिंग है, ये सब सेटिंग नहीं कीजिएगा तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। तो देखिए अब आइएगा ऊपर, ऊपर खिसकाइएगा तो देखिए यहाँ पर दो ठो ऑप्शन है, एक ठो मैसेज का और एक ठो सेटिंग का। तो सेटिंग वाले हम ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, देखिए यही सब मेन सेटिंग आपको करना पड़ेगा। YouTube पर ऑलरेडी काम करना चाहते हैं तो ये सब सेटिंग आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने चैनल वाले ऑप्शन पर, देखिए यहाँ पर जो देखिए हम जूम करके थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं, चैनल वाले ऑप्शन पर चले जाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड दिख रहे हैं, देखिए अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए, आप अच्छे से पढ़कर देख लीजिए कि हम पहले अरशद म्यूजिक क्रिएटर लिखे हैं अपने चैनल का नाम, जो भी हमारे अरशद म्यूजिक क्रिएटर लिखेगा तो हमारे चैनल एक नंबर पर दिखाएगा। और देखिए हम यहाँ पर मोनेटाइज से रिलेटेड वीडियो को बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम यहाँ पर सब लिख कर रखे हुए हैं, सेटिंग भी ऑलरेडी हम सेटिंग किए हैं, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज 4000 घंटा 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर 4000 हॉर्स यूट्यूब पर वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, न्यू चैनल पर वीडियो वायरल कैसे करें। इसमें आपको जो भी टाइटल दिख रहे हैं वो जब भी आप कहीं सर्च कीजिएगा इसमें से कोई सा भी टाइटल, तो उसमें हमारा वीडियो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखेगा, इसलिए कि हम इस तरह के यहाँ पर टाइटल लगाए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गई है। उसके बाद जब आप लिखिएगा कहीं भी 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं आपके चैनल पर वीडियो दिखेगा, इसलिए कि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो पहले से लगाए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट सेटिंग मेन है, यही है कि जो सेटिंग होती है ना, इस तरह का टाइटल आप लिख लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए ब्लॉग बनाते होंगे आप, आजकल लोग ज़्यादा ब्लॉग बना रहे हैं, तो अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो कहीं पर आप लिखिए न्यू ब्लॉग, ओल्ड ब्लॉग, देसी ब्लॉग, इस तरह का देसी ब्लॉग या फिर हिंदी ब्लॉग, भोजपुरी ब्लॉग,
आप अपने टाइटल में यहाँ पर इस तरह का डाल देना है। कोई भी कहीं अपने चैनल पर सर्च करेगा ब्लॉग वीडियो, तो आपका चैनल, आपका वीडियो कहीं ना कहीं वो उसके चैनल पर दिखाएगा, तो दिखाएगा तो उम्मीद है कि वो आपके वीडियो को जरूर देखेगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब अपलोड डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ करके देखिए आप किस कैटेगरी पर वीडियो बना रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर जैसे हम पहले, हमारा चैनल था अरशद म्यूजिक क्रिएटर, पहले म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो हम बना रहे थे, तो देखिए हम आज भी हम म्यूजिक हमारे कैटेगरी है, म्यूजिक वाला कैटेगरी हम आज भी हमारे यहाँ पर दिख रहा। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे इसको हम, तो हमारा चैनल जो मोनेटाइज है वो डिलीट हो जाएगा। मोनेटाइज के बाद आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी दिख रहा है, मोनेटाइज के बाद आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। मोनेटाइज से पहले आप 50 बार कैटेगरी को चेंज कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम म्यूजिक वाला कैटेगरी ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वीडियो लैंग्वेज वाले पर, यहाँ पर हम हिंदी रखे हुए हैं। आपको भी अगर आप इंडिया से हैं तो आपको भी हिंदी रखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो आपके सेव हो जाएगा। अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो सबसे मेन सेटिंग यही, आपको दो तीन ऐसे सेटिंग हैं कि अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपके वीडियो कहीं ना कहीं चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके चैनल किस तरह सेटिंग करना है। और देखिए यहाँ पर चैनल हम मोनेटाइज भी करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटा मात्र 4500 में कंप्लीट करके 5 से 6 दिन में दे देंगे। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा उस नंबर पे आपको हमें कॉल करना है, या फिर अपने चैनल का स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेंड करना है। हम यहाँ पर 4500 रुपये में 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करके 5 से 6 दिन में हम आपको दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।